ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद लगातार तेज होता जा रहा है। एक तरफ जहां मुस्लिम समुदाय मस्जिद में सर्वे टीम को घुसने नहीं दे रहे, तो वहीं याचिकाकर्ता एक बार फिर से कोर्ट पहुंच चुके हैं और अब ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हो रहे विवाद की आग ताजमहल तक पहुंच चुकी है। लेकिन क्या ताजमहल तक ये विवाद रुक जाएगा या फिर तैयारी कुछ और हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के लिए पहुंची टीम को अंदर नहीं घुसने दिया गया और आज इस मसले पर कोर्ट में सुनवाई भी हुई। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद का मामला जितना तूल पकड़ रहा है, उतना ही उस पर राजनीति तेज होती जा रही है। आलम यह है कि ज्ञानवापी के बाद अब ताजमहल को लेकर भी नई याचिका दाखिल कर दी गई है और इस याचिका में यह दावा किया गया है कि ताजमहल के अंदर 22 कमरों में हिंदू देवी और देवताओं की मूर्तियां हैं। मैंने न्यायालय में याचिका लगाई है, जो ताजमहल के 22 कमरे हैं, जो राज के कमरे कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा रहस्य है उसके अंदर, उन्हीं 22 कमरों को खोलने के लिए मैंने माननीय न्यायालय में एक याचिका लगाई है कि उन कमरों को खोल दिया जाए और ताकि वो सारा राज बाहर आ सके, क्योंकि उन्हीं 22 कमरों के पीछे विवाद भी है। अब इस याचिका के दाखिल होने के बाद अलग अलग तरह की चर्चा की जा रही है, जहां कथावाचक देवकी नंदन कह रहे हैं कि इन कमरों को खोलकर जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई क्या है कि दुनिया को पता लग सके। इतना ही नहीं, योगी सरकार में राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने दावा किया है कि ताजमहल में 4 शिवलिंग हैं और रघुराज सिंह ने याचिकाकर्ता की तारीफ करते हुए ये दावा तक कर दिया कि उन कमरों में बेशकीमती मूर्तियां रखी हैं। जैसे ज्ञानवापी मस्जिद का हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बातें हम लोग मान रहे हैं, उनकी जांच हो रही है और जांच हो रही है तो पता चल रहा है कि उसमें है क्या। ठीक उसी लाइन पे अगर हम जाके ताजमहल का भी परीक्षण करा लें, हो जाए, वो कमरे खुल जाए, वहाँ व्यवस्था पता चल जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी, जो चीजें हो वो जो सच्ची बातें हैं, जो फैक्ट हैं, वो हमारे सामने आने चाहिए। ये मोदी युग है, ये योगी युग है, अब किसी माई के लाल की हैसियत नहीं है, क्योंकि जिन्होंने भी आज का श्रीमान रजनीश कुमार, मैं उसको बधाई दूंगा कि उन्होंने सही डाली है, 20 कमरे बंद हैं तेजो महल में और 20 कमरों में हमारे भगवान की मूर्तियां बेशकीमती मूर्तियां हैं, मंत्री जी का दावा है। लेकिन इन दावों के बीच समाज में एक संदेश देने की कोशिश हो रही है। इन तमाम तस्वीरों को देखकर अब आपको अयोध्या की याद आ रही होगी, तो क्या अभी इन तमाम मुद्दों पर माहौल बनाया जा रहा है? और अगर माहौल बनाया जा रहा है तो क्या इस विवाद की आग ताजमहल पर जाकर रुक जाएगी या फिर ये और आगे जाएगी? यानी कि अयोध्या हो गया, काशी चल रहा है और क्या मथुरा की बारी? रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, काशी में बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बन रहा है, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की प्रतीक्षा, इसके पीछे और कुछ नहीं। केशव प्रसाद मौर्य का बयान सुनकर आप समझ गए होंगे, जो विवाद अभी ज्ञानवापी मस्जिद पर हो रहा है और जो विवाद अभी ताजमहल पर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये महज संयोग नहीं है, ये एक प्रयोग नजर आ रहा है। लेकिन क्या ये प्रयोग 2024 के लिए हो रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज़।